सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेके आए हैं जो इन्फॉर्मेशन से भरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगी। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत। हूँ आपकी होस्ट आलिया। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तार साहब, जो कि हमें वॉशिंगटन डीसी से ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिशियन है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया। साजिद साहब, 3 से 4 टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज की सारी जो डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं, कल रात की और आज की। देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक तो इवेंट है होली का, और दूसरी तरफ इवेंट है शबे बारात का। और फिर उसके बाद हमने देखा कि होली के मौके पर यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह का वाकया पेश आया, जिस पे बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि एक नई डेवलपमेंट जो कल रात हुई है कि आर्मी चीफ ने मुलाकात की है बिजनेस कमेटी से, और उसमें उन्होंने ये भी खोल दिया, ये भी बता दिया है कि इमरान खान ने जो उनसे मुलाकात की ख्वाहिश की थी वो क्या है। तो सारे तार साहब ये बताएंगे। लेकिन सर, आगाज करेंगे कि होली भी है और शबे बारात भी है, तो मेरी तरफ से भी सर सबको हम दोनों तरफ से मुबारकबाद देते हैं दोनों उस पे, और होली मनाने वालों को बहुत बहुत होली की मुबारकबाद, और शबे बारात मनाने वालों को शबे बारात की मुबारकबाद। सारी साहब, ओवर टू यू। मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। बड़ा कोइंसिडेंस है कि शबे बारात तो खुशियों का त्यौहार है यहाँ भी और होली की। लेकिन यहाँ पे आलिया, मैं बल्कि खबरों में जब पढ़ रहा था, कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पाकिस्तान में हुए, जो जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि हम जब 1947 में हमारे माइनॉरिटीज जो बहुत बहुत कम रह गई थी, तो हमें मिलजुल के रहने की वो इतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकी पाकिस्तान के अंदर। मैं कंडेम करूंगा जो हादसा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे वो होली मना रहे थे और वहां पे इस्लामी जमीयत तुलबा इस्लाम वालों ने कुछ वहां पे हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि मैं समझता हूं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे फेथ में जाने से आपके फेथ को कोई खतरा ना हो उनके इवेंट्स में जाने से। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आके यहाँ अमेरिका में सीखा, मैं चर्चों में भी चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, मंदिरों में भी चला जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी चला जाता हूँ, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं है कि मेरे वहां जाने से, खुशी मनाने से उनके साथ दोस्तों के, मेरे अपने फेथ को कोई खतरा लाहक हो जाता है। ये एक सबक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज का फुकदान है, कमी है। इनको मिलजुल के रहना चाहिए, इनको क्रिसमस भी मनानी चाहिए, इनको होली भी मनानी चाहिए, इनको बैसाखी भी मनानी चाहिए सिखों वाली, क्योंकि इस सारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी चीजें इसके रंग हैं, ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के, और इनको सबको एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ के हर चीज के ऊपर इस चीज को लगा देना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये लेकिन ये कि मैं अपने दिल की गहराइयों से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा, शबरात की मुबारकबाद देना जी चाहूंगा। शाही साहब, तौबा तौबा, आप कैसी बातें करें, आपने क्या क्या कुछ कह दिया। आपको पता है कि इसी में आज विमेन्स डे भी है यहाँ पर मनाया जा रहा है, यानी जो मार्च 8 मार्च को जो मनाया जाता है। और उसी के साथ हमने देखा कि वहां पर एजेके में बाकायदा ऑर्डर्स आ गए कि तमाम जो यहाँ पे खवातीन पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब में हिजाब पहनकर आए। और दूसरी तरफ यहाँ पर होली के मौके पर ये वाकया हुआ जो आप बता रहे हैं। आलिया, उसके बारे में मैंने पढ़ा है, बिल्कुल आजाद कश्मीर में दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं वहां पे उस पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश ये की थी कि वहां पे जो उन्होंने वो हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुरके का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है, तो जाहिर है आपकी कोई डायरेक्शन तो है। जाहिर है जब हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, एचिसोनियन ग्रेजुएट जब जिहाद की बात कर रहे होंगे, तो फिर आप हिजाब और बुरके मिलेंगे आपको, आपको तरक्की और डिजिटाइज अमेरिका पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आपको अरबी और उर्दू की ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने बच्चे उनके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक टेक्निक है जो ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन और उसके बाद आपके लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ के आगे आते हैं, उनको वो इसी तरीके से 22-23 करोड़ लोगों को सुप्रेस करते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूं पर्दे दिलों के होते हैं, नजरों के होते हैं। मैं जिस तरह छोटी सी आपने इस हवाले से बात की है, रमजान आने वाला है। रमजान मेरे ख्याल में सिर्फ डाइटिंग प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर आंख का रोजा होता है, सोच का रोजा होता है, कानों का रोजा होता है, हर चीज नीयत का रोजा होता है। लेकिन हमारा असूल ये है कि रमजान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई की जाती है,
मेरे अक्सर मेरे दोस्त जो है जखीरा अंदोजी करके ये कहते हैं कि हमने एक महीने में 11 महीने के पैसे बना रहे हैं, तो ये रमजान नहीं है, ये रमजान नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि रमजान ये है कि आप हर चीज का रोजा रखे। बल्कि मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आजकल अमेरिका के अंदर रमजान के हवाले से जो एक चीज पॉपुलर हो रही है, इंटरमिट फास्टिंग यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। या मैं आजकल मुसलसल खुद उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि फास्टिंग 16 घंटे फास्ट करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म जो है वो शुरू हो जाता है कि वो अंदर के जितने टॉक्सिक चीजें होती हैं उनको वो बर्न करना शुरू कर देती है। लेकिन आई एम सरप्राइज के हाउ फास्टिंग इज गुड फॉर हेल्थ को स्पिरिचुअल क्लींजिंग के तौर पर भी लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल लेने से अगर आप ये समझते हैं कि इससे बुराई रुक सकती है तो दिस इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग। आलिया, मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूं यहाँ पे और मैंने 3 बच्चियों को यहाँ पे अमेरिका के अंदर पाला है और मैंने बिल्कुल ये सीखा है कि आपने दिस ये आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू परसू थिंग्स, हाउ यू सी थिंग्स। ये जो बुरकों के जरिए अगर देखा जाए तो ये दिस इज सुप्रेशन, ओप्रेशन। और मैं समझता हूं कि बच्चियों के वालदैन को सोचना चाहिए कि अब वो दौर नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं, आप उनको किसी फील्ड में जाने नहीं देंगे। मैं आई एम सो प्राउड एज अ फादर, मेरी 27 साल की बड़ी बच्ची है, शी इज ग्रेजुएटिंग विद PhD दिस मे इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग, और मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि और शी इज वेरी गुड इंजीनियर, शी इज वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप नॉच स्पेस, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसके सारे प्रोजेक्ट इन स्पेस। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, खुदा रहा, दिस इज माई ये आजाद कश्मीर में अंदर जो इन्होंने किया है मैं इसको कंडेम करूंगा, रिजेक्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वालदैन को, चाहे आप जिस तरह भी है अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चियों को तालीम दें और उनको आगे मुलाजमतों में आने दें, उनको कम्पीट करने का मौका दें प्लीज। अब वो दौर नहीं रहा कि अब आप एक चीज को छुपा दें, आप उसको रोक लें। मैं समझता हूं बहसीते फादर दिस वॉज अग एग्जामिन बिग। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, मेरी वालदा टीचर थी, शी वॉज अ हेड मिस्ट्रेस, और उस दौर में थी जिस दौर में जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। मेरी वालदा मुझे कहती थी कि मैं लोगों के घरों में जा जाके मिन्तें कर करके उनकी बच्चियां ला के पढ़ाती थी स्कूल में, क्योंकि लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे बच्चियों को। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ 45 साल पुरानी 50 साल पुरानी। लेकिन ये मैं कंडेम करूंगा आजाद कश्मीर, दुख के साथ मैंने ये पढ़ा है कि आज 21st सेंचुरी में इन पाकिस्तान, यह छोटी सी चीज एक ऐड करना, जो छोटी सी इजाजत दें मुझे, कि आप जब सर सैयद अहमद खान की तस्वीर देखते हैं, जब उसको हीरो मानते हैं, कभी उनकी फिलॉसफी के बारे में भी सोचा करें। आज आपके नोटों के ऊपर उनकी तस्वीर लगाई जा रही सर सैयद अहमद खान की। अब मैं बताना चाहता हूं सर सैयद अहमद खान जो थे उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने तालीम को उजागर किया था, बिलखसूस इंग्लिश की तालीम को, और वो खुद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मुलाजम थे। तो अब आप ये दुख अफसोस है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, और जो ट्वीट की जा रहे हैं आपके ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट ट्वीट करते हैं वो भी उर्दू में करते हैं, क्योंकि लोगों को आपने हैंडीकैप कर दिया है। अब ये खासतौर पर आज वुमेन्स डे के हवाले से आपने बहुत ही एक्सलेंट मैसेज दिया है, जिस तरह आपने अपनी वालदा का बताया, अपनी बेटियों का बताया, वाह जबरदस्त। सर बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे, हम जरा थोड़ा अपने हमसाए में चले जाते हैं, खिड़की खोल के उस तरफ हम झांके, इस तरफ ये हो रहा है दूसरी तरफ, वहां पर आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, और वहां पे वो गोली भी खेलेंगे ये कहा जा रहा है, और इसी के साथ वो वहां पर बहुत से एग्रीमेंट्स भी करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद जापान के भी आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिये मैं समझता हूँ कि आप कहते हैं खिड़की खोल के पड़ोस में देखना चाहिए, मैं समझता हूँ वहां पे आपको जो भी हर आप दरवाजे भी खोलने चाहिए, खिड़की ना खोलें दरवाजे भी खोलें, और आप उनसे सीखें कुछ। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए, डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। मैं छोटी एक दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त यहाँ से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए, और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है वो भी QR कोड के साथ चला रहा है।
ये देखना होगा आपको, आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक जो आपके फेक लीडर्स हैं इनसे बचें आप, जिनके सारे बच्चे इस वक्त बाहर पढ़ रहे हैं और आपको जिहाद की तालीम है और आपको कहते हैं आपका निसाब उर्दू में होना चाहिए। उर्दू हम आपकी कौमी जबान है, ठीक है, उसको लर्न करें, लेकिन ये देखें कि आप तरक्की किस तरह कर सकेंगे, आप किस तरीके मेडिकल की किताबें आप किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग के जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह उर्दू में पढ़ेंगे आप। सारी सब फिगर्स पे पर्दा डाल डाल के उनको कपड़े पहना के पढ़ेंगे, बिल्कुल उनको हिजाब कराएंगे, और ये वो दौर नहीं है। और उसमें खासकर मैं देखना चाहता हूं आप, मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं अमेरिका में, मैंने करके देखा है कि आप अगर कोई चीज नई इन्वेंट करने की सलाहियत ना रखते हो तो इसमें कोई गलती, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कॉपी कर लेनी चाहिए, लर्न करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वो गैप दे चुके हैं इतना इकॉनमी में हर चीज फील्ड के अंदर, आप लर्न करें। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स, रीड देयर न्यूज़पेपर्स, शायद आप वहां से कुछ चीजें पिक कर सकें, शायद आप कुछ पिक कर सकें। मैं अगले दिन एक चीज, मुझे दो चीजें बड़ी उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। मैं आवाज शाह के आपको इसको आपको मैं बताना चाहूँ आपके देखने वालों को, पाकिस्तान के अंदर दो शहर ऐसे हैं जो इस वक्त अमेजॉन के ऊपर शॉपिंग और अमेजॉन की चीजों को बच्चे बेच के, दो छोटे छोटे शहरों के, एक का नाम मियाँ चन्नू है, एक साहिबाल। मियाँ चन्नू से सारे बच्चे जो हैं वो आते हैं पढ़ने के लिए साहिवाल यूनिवर्सिटी से, और जो नहीं भी पढ़े हैं उन्होंने घरों में सीख के ये चीजें। इस वक्त अमेजॉन के ऊपर जितनी ज्यादा अगर पाकिस्तान में चीजें चल रही हैं, दे आर फ्रॉम दो सिटीज। इस पे हकूमती, इसमें हकूमती लीडर्स को चाहिए इस पे तवज्जो दें, आपको जिहाद की ट्रेनिंग ना दें, आपको ड्रॉप शॉपिंग सिखाएं, आपको कोडिंग सिखाई जाए, आपके हाई स्कूलों के अंदर कोडिंग हो। अब मैं बात करना चाहूंगा दूसरी तरफ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और जापान की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए G20 किया है भारत ने, वहां पे ना सिर्फ 20 ममालिक के वजीर खारजा, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर है, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां आए 20 मुल्कों के, और फिर उनकी एक इनवाइटी लिस्ट थी जो उन्होंने मजीद लोगों को भी बुलाया जो G20 के मेंबर नहीं थे, और उससे उन्होंने क्या अचीव किया है, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर आए हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो सकी हैं क्योंकि दे आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, दे आर वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे है। अब मैं ये आपके देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा बल्कि कि प्लीज सी हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशन के टक्कर के हैं, एक भी नहीं है आपका ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां आप कह सकें कि इस कंपैरेटिव। यहां पे अमेरिका में एक मिसाल दी जाती है, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन IIT से वहां उनका मेरिट ज्यादा स्ट्रांग है, उनके स्टैंडर्ड्स ज्यादा स्ट्रांग है, दे हैव गॉन टू दैट लेवल। मोस्ट ऑफ द CEOs जो यहां पर इस वक्त बने हैं जो तकरीबन 30-35 के लगभग हैं, ज्यादा वहीं के पढ़े लिखे। और इस वक्त मैं समझता हूँ आप ऑस्ट्रेलिया की बात, वो तो आ रहे हैं, जाहिर आएंगे सारे लोग, क्योंकि एक और नया आइडिया जो है जो इस वक्त इंडिया की सबसे ज्यादा जो G20 में मैंने सीखा है, देयर फोकस वाज अ न्यू टर्म, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, और इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है और भारत उसमें लीडिंग है। इस पूरे रीजन में ग्लोबल साउथ की बात करता है कि माजी के अंदर जो नॉर्दर्न कंट्रीज थे, ग्लोबल नॉर्थ था, उन्होंने कॉलोनियलिज्म के जरिए साउथ को किस तरह कॉलोनी बनाया और उनके सोर्सी रिसोर्सेज को लूटा, लेकिन आज दे स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ और डेवलपमेंट इन द ग्लोबल साउथ। सो द ग्लोबल साउथ का नारा लगाया है भारत ने और दे आर लीडर इन दैट रिगार्ड। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जब कंपेयर करता हूं तो शर्म आती है, दुख होता है, जो इस वक्त आपके हालात अगर देखे जाए, सारा दिन आपके मीडिया चैनल्स की वैगने जो है वो खान साहब के आसपास भागती फिर रही है पिछले 8 महीने से, और उसमें से कुछ निकल नहीं रहा, कुछ उसमें डल नहीं रहा। मैं उस पर थोड़ा सा अगले जो मैं खान साहब के हवाले से बात करना चाहता था, खान साहब ने अगले दिन अपने एक तो तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाया उन्होंने इंसाफ के लफज का, क्योंकि जब वहां पे SP साहब आए इस्लामाबाद से तो उन्हें कहा गया कि ही इज नॉट अवेलेबल, लेकिन 2 घंटे के अंदर फिर वहां पे उन्होंने एक जलसे से खिताब किया। मैं उस खिताब को भी डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे मुस्तकबिल के वजीर आजम के, उनके पास क्या रोड मैप है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। उन्होंने बात की शेरशाह सूरी की मिसाल दी, उन्होंने आगे देखने की बजाय
वो पीछे देख रहे हैं। उन्होंने कहा शेरशाह सूरी को मैं बनाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ दूध की नहरें फिर चलेंगी। फिर उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि मैंने सूबा सरहद के अंदर इतने जैतून के तेल लगा दिए हैं, हम जैतून को एक्सपोर्ट करेंगे। फिर तीसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि समुन्द्र से पाम ऑयल बनाया जाएगा। और फिर उन्होंने आखिरी बात की कि उन्होंने कहा कि मैं फिर दोबारा कहते कान से पकड़कर ओवरसीज पाकिस्तानी को लेकर आऊंगा और वो यहाँ दूध के नारे वो लगाएंगे। ये उनका रोड मैप है उनके पास। और मुझे उस दिन वो सारा उनकी स्पीच सुनकर दुख हुआ, उस दिन दुख हुआ कि दिस इज द प्लान यू हैव, यू आर एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट पर्सन। आज उनकी जो इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के अंदर वहां पे जो उनकी पेशी थी, वहां पे उन्होंने वकील अपना चेंज किया, नए वकील ने जो एप्लीकेशन दी है, अब मैं हैरान, उसमें लफ्ज बुजुर्ग इस्तेमाल किया गया उनके बारे में, जहीन और बुजुर्ग और मरीज बताया गया है कि वो अदालतों में पेश नहीं हो सकता। फिर पायल्स की बीमारी और दूसरी कोई ऐसी बीमारी का लिखा गया, जो मैं यहाँ पे कहने के लिए आलिया आपके सामने शर्मिंदा हूं, जो उन्होंने वहां पे लिखा है। जी सर, ऐसे ही शर्म आती। ये 70 साल का बंदा एक्सक्यूज क्या इस्तेमाल कर रहा है। और दिस ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और मैं एक और बात आखिरी इसमें जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आलिया यहाँ पे आपके बहुत एक एंकर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, साकिब निसार साहब भी अब गलतियों का अपना इतराफ कर रहे हैं, बाजवा साहब अपनी गलतियों का इतराफ कर रहे हैं, मुल्क तबाह करके अब गलतियों का इतराफ कर रहे हैं। और लेकिन उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से कौम की आंखें और कान बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक सलूशन है, इस्लामाबाद इमरान खान के हवाले कर दिया जाए, 6 महीने में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि पाकिस्तान चल सके, इनके पास कोई ऐसा नया शख्स नहीं आया इनकी पार्टी में जिसके पास पाकिस्तान के लिए इकॉनमी के लिए कोई रोड मैप। ये जान गिरने वाले थे, इनको 6 महीने के लिए खुदारा दे दें एंड गेट इट ओवर। जी साजी साहब, जहां आपने ये बातें की ना, वहां पे चले एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है यहाँ पर, वो ये हुई है कि इमरान खान के उनके बारे में कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ से, बल्कि खुद ही उन्होंने टेलीविजन पर बैठ के कहा कि आर्मी चीफ मुझसे मुलाकात करें, मेरी कोई सुनते नहीं है, बात ही नहीं सुनता। तो उसके बाद फिर जब उसके ऊपर बैकलैश आया कि ये तो बाकायदा तरले मेहनती कर रहे हैं, यानी आप फौज को बुला रहे हैं, आप उनसे मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने आपको पता ही पलटा खाया। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि आर्मी चीफ ने मुलाकात की है बिजनेस कम्युनिटी के साथ सर, और उसमें इसहाक डार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और ये बात भी हुई है कि इमरान खान ने जो उनको मुलाकात के लिए कहा, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया है कि हाँ ये ऐसा कहा गया है, लेकिन मैं मुलाकात क्यों करूं, मेरा एक सियासतदान से मुलाकात करने का क्या जवाब है। और ये कहा गया है कि ये जो मदाखलत की बात है, हम ये चाहते हैं कि ये ना हो, और सियासत में किसी मदाखलत हम नहीं करना चाहते, तो फिर मैं सियासतदानों से मुलाकातें क्यों करूं। सर, ओवर टू यू, आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा तो वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शुभात मौजूद हैं कि अभी तक बाजवा डॉक्टरान इज स्टिल वर्किंग इन सम फॉर्म एंड शेप। ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके बारे में लोग आर्गू ये देते हैं कि दे आर नॉट सपोर्टिंग पॉलिटिशियंस, दे आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट। इसमें कोई शक नहीं कि आज की गवर्नमेंट जो है इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको हासिल है, लेकिन उसमें जो आर्गू लिया जाता है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग अ पोलिटिकल पार्टी, दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, तो उस पे तो ये बात हो। लेकिन मुझे फिर भी कुछ गिले हैं जो हमारे करंट एस्टेब्लिशमेंट के आर्मी चीफ साहब के साथ। पाकिस्तान को सख्त फैसलों की जरूरत है इस वक्त, लेकिन अभी तक उन्होंने आके कोई सख्त फैसला नहीं किया। वो अभी तक चीजों से, वो कहते हैं ना, जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है तो बिल्ली चाहती नहीं, बिल्ली वहीं खड़ी होती है। आपको सख्त फैसले, इसलिए पाकिस्तान इस वक्त इन सर्वाइवल मोड है। आप प्रैक्टिकली इन पेपरों में तो आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, अब माने ना माने तो ये अलग बात है। 9,000 कंटेनर जब सड़ जाए पोर्ट के ऊपर, डॉलर आपके पास ना हो, सारे डॉलर आपकी आंखों के सामने स्मगल होकर अफगानिस्तान चले जाएं, और उसके बाद अदलिया जो मजाक कर रही है वो एक अलग चीज है। अदारे बिल्कुल इस वक्त जो है वो, मैं बल्कि इसके साथ एक कहूंगा, मैंने अगले दिन जब इमरान खान साहब की जो वीडियो देखी कि किस तरीके से उन्होंने एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के गेट तोड़कर गाड़ी समेत जब अंदर अदालत गए, और फिर उसके बाद आज जो बाबर अवान साहब ने वहां पे अगले दिन जो प्ली ली है, उन्होंने कहा ये कोर्ट छोटी है, इस कोर्ट के अंदर अगर हमारे अमीरुल मोमिनीन आए तो उनकी सेफ्टी का बंदोबस्त नहीं है। तो जिस तरीके से जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस और जुडिशरी का मजाक उड़ाया जा रहा है, माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद नहीं। नवाज शरीफ साहब पेश होते रहे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो पेश होते रहे हैं अदालतों में,
लेकिन किसी ज्याले की जुरत नहीं होती थी इस तरीके से आके जुडिशरी को किरपान से पकड़ना। लेकिन आज उस दिन मैंने बल्कि ट्वीट भी किया था, आई फील सो बैड कि स्टेट इज सो हेल्पलेस एंड होपलेस एंड एंड बीइंग ब्लैकमेल्ड। तो उसके अंदर डिसीजन इस वक्त जो लेना है वो मेरे ख्याल में हमारे आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि इन इदारों का जो इत्माद ये खो चुके हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी प्लीज इनकी हेल्प करें ताकि वो इत्माद बहाल हो सके। उसकी वजह ये है सारी साहब जो उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा है कि मिलकर जो है वो मुल्क को आगे लेकर चलते हैं, यानी उन्होंने जाहिर है कि बिजनेस कमेटी से उनकी मुलाकात थी। तो वैसे तो ये भी बात कि अगर सियासत में जो है वो मदाखलत ना करने का कह रहे हैं, उनका क्या काम सियासत में, तो इसी तरीके से बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात लोग कह रहे हैं कि भी उनसे मुलाकात की। लेकिन जाहिर है कि जो इस वक्त हालात हैं, डिफॉल्ट हो रहा है, तो तमाम स्टेक होल्डर जो है वही फिक्रमंद है, इसलिए उन्होंने मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि मिलकर आगे लेकर चलते हैं। नहीं, उसमें आलिया छोटा सा पॉइंट मुझे दीजिएगा। वो मेरा पॉइंट ये था, जब मैंने आपके अब इसी पहले एक मिनट पहले मैंने आपको कहा कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हुकूमत को अगर सपोर्ट कर रही है फिर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर क्यों नहीं करते? अगर पुलिस वहां पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस को सेफ नहीं कर सकती तो रेंजर्स वहां क्यों नहीं आते? ये दंगा मुश्ती इदारों को एक ऐसी पार्टी ने, एक ऐसे चंद अफराद ने, 5 से 10 हजार होंगे ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन को गिरेबान से क्यों पकड़ रखा है? उनका गिरेबान छुड़ाते क्यों? मैं ये नहीं कहता कि आप सपोर्ट करें पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन गवर्नमेंट की रिट तो पैदा करें ना। अगर पुलिस नहीं हो रही तो रेंजर्स आके उन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट तो करें। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, जिस तरीके से हाईकोर्ट में पेशी हुई थी और जिस तरीके से हैशटैग चलाया गया था भी हाईकोर्ट पहुंचो, पूरी हाईकोर्ट के आसपास लोगों ने घेरे डाल लिए थे, वहां जजेस की सेफ्टी के क्या बंदोबस्त थे? वहां रेंजर्स डिप्लॉय क्यों नहीं की गई? ये मेरे गिले हैं इनके साथ, और ये सारी दुनिया देख रही है आलिया। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देखते, ये मनाजर वॉशिंगटन डीसी में भी देखे जा रहे हैं, ये मनाजर न्यू दिल्ली में भी देखे जा रहे हैं, IMF भी इनको देख रही है, चाइना भी इन मनाजर को देख रहा है। फिर आप कहते हैं लोग हमें पैसे नहीं दे रहे, हमारे बरादरान ममालिक जो है वो पैसे नहीं देते। देंगे किस तरह जब आपके हालात उनको नजर आ रहे हैं कितने कमजोर है? और इन हालात के अंदर मैं बल्कि एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मैं आर्मी चीफ साहब से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं बिजनेस कम्युनिटी से मिलने का क्या फायदा आपको, जब बिजनेस का एनवायरनमेंट ही नहीं है वहां, ना आपके पास डॉलर मौजूद है कि खाम माल खरीदा जा सके, ना ये आपकी फैक्ट्रियां खुल सकती हैं क्योंकि जुलूस निकल रहे हैं, एक बंदे ने गिरबान को हर एक चीज में गिरबान से पकड़ा हुआ है। तो इन हालात के अंदर बिजनेस कम्युनिटी से मिलने का क्या फायदा था? कोई फायदा नहीं। आप मुझे कहें कि पाकिस्तान आके भी फैक्ट्री लगाओ, मैं लगाता हूं आजकल, धमाका खराब है किसी का? तो ये बिजनेस कम्युनिटी का पहले बिजनेस एनवायरनमेंट पैदा करें ताकि बिजनेस चल सके। ठीक ठीक सही। साहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।